हो तो खूपच मस्त आहे. तो खूप शांत मुलगा आणि मी खूप बडबडी आहे तर मी त्याची खूप वाट लावते आणि तो मला म्हणतो अंकिता तू गप बस, अंकिता तू गप बस. आणि आत्ताही त्या बघून तो हेच म्हणणार आहे अंकिता तू कशी आहेस. पण तो खूप चांगला आहे अँड दिस माय फर्स्ट टाइम मी परत एका मराठी ॲक्टर बरोबर काम करते आहे पण ही सुपर्ब, ही इज फॅन्टॅस्टिक. खूप चांगलं वाटतं. आत्ता मी आतमध्ये तेच डान्स करून मी माझा आत्ता ॲक्ट झाला त्यांना मी ते सांगत होते मला इतकं चांगलं वाटतं आहे. इट्स नॉट दॅट म्हणजे मला हिंदी बॉलिवूड सगळंच एक आहे पण आपलं जसं म्हणतात आपला माणूस तर आपलाच असतो. तर पहिल्यांदा मी आली आहे मराठीत म्हणजे इथे पहिल्यांदा परफॉर्म करते. सगळ्यांची भेटून खूप चांगलं वाटतं आहे. माझे खूप म्हणजे मी अमृताला खूप चांगल्यापैकी ओळखते. सो शी वॉज देअर, शी वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी. सो इट्स नाईस टू मीट युअर पीपल. इट्स काइंड ऑफ डिफरंट बट या नाईस. माय फर्स्ट एव्हर मराठी म्युझिक मराठी अवॉर्ड्स वेर आय एम परफॉर्मिंग. सो आय एम व्हेरी एक्सायटेड, व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड कि मराठी बिकॉज आई एम मराठी. सो इट्स माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी एंड यू नो कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रही हूँ. सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इस फ्रेटर्निटी में आके यहाँ परफॉर्म कर रही हूँ. बट मेरा एक्ट एक्चुअली इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ मराठी सॉन्ग एंड वन बॉलीवुड सॉन्ग एंड इट्स ऑल अबाउट अरेबियन टाइप्स एक फील है. तो मतलब अरेबिक डांस परफॉर्मेंस है ऐसा आप कह सकते हैं. यार बहुत डिफिकल्ट था मतलब मैंने कभी किया नहीं है ऐसा डांस. मैंने हर डांस किया है लेकिन दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट. तो बहुत मेहनत की है. मैं भूली भी हूँ स्टेज पे कुछ कुछ मुझे आई एम वेरी श्योर. बट जैसा भी था अच्छा था एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. इज इट अ बेली डांसिंग? इट्स काइंड ऑफ बेली डांसिंग येस. एंड यू आर लुकिंग लाइक अ सॉर्ट ऑफ लुक ऑफ अ प्रिंसेस आल्सो? येस बिकॉज आई एम अ प्रिंसेस ऑफ द अरे यार तुम ऐसी चीज़ें बुलवाओगे मुझसे और फिर तुम ऐसे ऐसे करना ही नहीं. कोई इंडस्ट्री की नहीं, मैं अपने घर की प्रिंसेस हूँ. अंकिता आपकी फिल्म का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक बहुत ही अच्छा अवसर मिला है आपको, उसके बारे में बताना चाहेंगे कब हम फिल्म की उम्मीद कर सकते हैं? आई गेस माई फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन 3rd of August. सो आप लोगों को देखने को मिलेगा 3rd of August को जो मैंने काम किया है वो. एंड बस यही है कि अच्छा लगना चाहिए क्योंकि अब तक आप लोगों ने हमेशा मेरा काम अप्रिशिएट किया है. सो दिस टाइम आई एम रियली होपिंग कि आप लोगों को बस अच्छा लगे. दैट्स इट. इसके साथ ही एक और फिल्म भी आपने साइन कर ली है आपको पता चलेगा जल्द ही. नहीं नहीं ऐसे थोड़ी बता सकती हूँ मैं कुछ भी आपको. आपका जब आप मेरी प्यार से बात कीजिए, आप बात कीजिए चलिए. प्रमोशन हमने किया था हाँ मेरी फ्लाइट है एक्चुअली आई हैव टू गो. दुनिया रुक जाती है आपके लिए फ्लाइट कैसे? क्या बताऊँ मैं आपको, अब नहीं रुकती फ्लाइट यार. अगर एक चीज़ और वी आर सीइंग लॉट्स ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट्स फ्रॉम दिस न्यू ट्रेंड व्हिच यू लाइक. व्हाट ट्रेंड? इंस्टाग्राम? नो इट्स नॉट लाइक दैट यार. हम बड़े होते हैं, हम बदलते रहते हैं, हमारी स्टाइलिंग बदलती है, हमारे फ़ोटो बदल जाते हैं. तो बस ये इट्स जस्ट आई गेस हम लोग बस सभी बदल रहे हैं तो सब दिख रही है अलग अलग चीज़ें. दैट्स इट. आई एम होपिंग सो कि ये फाइनल डेट हो क्योंकि मैं भी अपनी फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ. सो दैट्स इट. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. आता लोकांना माहीत पड म्हणजे त्यांनी मला अशी ऑफर द्यायला पाहिजे तर मी करीन. द्या लवकर ऑफर, आता मी वेट करते. I am on TV right now. Everybody is watching me on TV. I am on TV. I am not going anywhere. There is nothing come back and going back. So कभी अगर अच्छा हो अच्छा है आपके साथ काम करना चाहिए.